मिलते बता सकते हैं क्या क्या मिलते बताइए बताइए बताइए, ब्लॉग हो रहा है इसलिए। उपमा है। चलिए तो फाइनली अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका, अब जाते हैं गाड़ी पास और देखते हैं वहाँ पे कितना तक अभी गाड़ी खाली हुआ। देखेंगे अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे, बहुत जगह का ये रास्ता टूर लाइफ स्टाइल दिखाएंगे हम अपना। एक सब्सक्राइब से मेरा चैनल का एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं अभी हम लोग आ चुके हैं अनलोडिंग पॉइंट पे। तो कल रात में हमारा गाड़ी लोड हो चुका था, सुबह से लगा था बट पर हमारा कल रात तक में हो चुका था। और अभी ये देखिए रात भर में सफ़र काट के अभी हम लोग आ चुके हैं सुबह अनलोडिंग पॉइंट पर, और अब तक कुछ लेबर उबर तो आए नहीं है, तो देखते कब तक लेबर आते हैं, आते उसके बाद फिर हमारा गाड़ी खाली होगा। तब तक के लिए तो दोस्तों अभी हमारा गाड़ी है वो अनलोडिंग पॉइंट पे लग चुका, और अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नाश्ता करने के लिए। तो देखते हैं आगे शायद से कहीं होटल वोटल कुछ मिल जाए तो हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो चलिए जा कर के देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम एक नाश्ता होटल तो दिखा देखे उस जगह पर, तो चलते हैं वहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलेगा और फिर जाके वहाँ पर नाश्ता करते हैं। तो फटाफट वहाँ पर जाते हैं और देखते हमें वहाँ पर क्या मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें पूरी सब्जी और पराठा कुछ मिल रहा है, तो देखिए इस तरीके का बनता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो भी आपके यहाँ क्या क्या मिलता बता सकते हैं क्या क्या मिलता बताइए बताइए बताइए, ब्लॉग हो रहा है इसलिए। इडली है, उपमा है, उपमा है, इडली दिखा दीजिएगा। इडली इडली ये देखिए दोस्तों इस तरीके का यहाँ इडली मिलता, और उपमा उपमा हटा के दिखा दीजिएगा। उपमा देखिए इस तरीके का यहाँ पर उपमा मिलता आपका, पर उपमा भी ख़त्म हो चुका है। चलिए कोई नहीं, पराठा वहाँ बन रहा और इस जगह पर पूरी है। देखिए मेरे पूरी सब्जी भी आ चुका है, तो चलिए फटाफट से सुबह का ब्रेकफास्ट करते उसके बाद फिर मिलते हैं। चलिए तो फाइनली अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका, अब जाते हैं गाड़ी पास और देखते हैं वहाँ पे कितना तक अभी गाड़ी खाली हुआ और देखते हैं किस तरीके से खाली हो रहा है, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं और जा करके आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको कुछ वजह के कारण यहाँ पे अनलोडिंग का वीडियो नहीं दिखा पा रहे, पर कोई नहीं दोस्तों, तो जब अनलोडिंग हो जाएगा, जब हमारा गाड़ी खाली हो जाएगा उसके बाद फिर जाएंगे, तो वहाँ का सफ़र का भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो एरिया है ये है आपका हो गया फॉरेस्ट एरिया। तो दोस्तों यहाँ जितने भी क्वार्टर आप सब देख रहे हैं आगे से लेके पीछे तक, तो दोस्तों ये सब गवर्नमेंट अफसर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करते उनको मिला हुआ। और तो दोस्तों मैं तो दोस्तों अभी आए थे होटल में, हमारा अभी का लंच भी हो चुका है, तो भात दाल सब्जी हो चुका हमारा लंच, तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और गए थे अभी लंच करने के लिए, तो बहुत दूर तक जाना पड़ा क्योंकि यहाँ आसपास में कहीं दुकान नहीं था खाना खाने का, तो लंच कर लिया है। और देखिए यहाँ वहाँ से कि हम गेठिया ले लिया है, तो चलिए चलते हैं गाड़ी पास और जा करके देखते हैं कितना खाली हुआ कितना नहीं।
तो दोस्तों देख सकते हैं, हमें जाते जाते वहाँ पे एक मंदिर मिला है। देखिए इस जगह पर मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है पहाड़ के ऊपर। और ये जो जगह बचा हुआ है सब पहाड़ के ऊपर ही लोग बसे हुए हैं, देख सकते हैं। शायद यहाँ पहाड़ भी दिखेगा आपको, पर चलिए दोस्तों, तो अभी हमारा गाड़ी खाली हो चुका, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो जहाँ पे गाड़ी लगाना था वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों मेरे को एक बात आप सभी लोगों से बोलनी थी कि दोस्तों कभी भी आप लोग जैसे गाड़ी के आगे आए ना, तो देख सकते हैं दोस्तों कभी भी गाड़ी चलाए तो आगे है ना, कम से कम इसके 4 या 5 मीटर की दूरी में कोई भी अगर बाइक हो, साइकिल हो या कोई भी हो आदमी जो मेरा ये व्लॉग देख रहा है, तो कृपया करके 3 या 4 मीटर की दूरी में रहे। क्योंकि देखिए हमारा जो ये बोनेट है ये काफ़ी ऊँचा है, और जो सामने आते हैं जो बीच में आ जाते हैं गाड़ी चलते वक्त, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है निकालने में। हम लोगों को यहाँ से दिखता भी नहीं, मेन बात यही है कि दिखता नहीं। देखिए कितना ऊंचा है, देखिए सामने से जाके तब दिखते, तब भी नहीं, कैमरा भी नहीं आ पा रहा है। तो चलिए कोई नहीं, बस जो भी रहे प्लीज़ जैसे भी करके साइड से निकले, मतलब कि 4 या 5 मीटर की दूरी बनाए। मेरी गाड़ी नहीं, हर गाड़ी पर जितना भी बड़ा गाड़ी, डाला बॉडी जितना भी देख रहे बड़ा गाड़ी, सब में दूरी बना के रहें। इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी आसानी होता है गाड़ी निकालने में।
तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। तो बस आप सभी लोगों को ये बात का ध्यान रखें, और हाँ मेरे उम्र के जितने भी लड़के हैं और जो बाइक चलाते हैं कृपया करके इनके सामने काटे ना। बहुत आदमी को मैंने देखा भी है कि रुके आगे वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो दिखाऊंगा जरूर, बहुत से लड़के लोग होते हैं कि ना गाड़ी को बीच में घुसा के काट देते हैं, मतलब कि बीच में ले आते हैं, चलते गाड़ी के बीच में काट काट के इसे बाएं जाना, ये चाहे लेफ्ट जाना चाहे राइट जाना कहीं भी जाना तो वो चल जाते हैं। तो बस इसी तरीका का हरकत ना करें, बस आराम से जाए और बहुत धीरे चलाने का कोशिश करो, हाँ हेलमेट पहन के चलाए। तो बस इतना ही बताना था, ऐसा नहीं कि पुलिस का डर से नहीं चला पहनना हेलमेट, हेलमेट पहन के चाहिए जब हाईवे में आप चल रहे, तो बस इतना ही बोलना था। तो अभी तो वैसे हम लोग अभी गाड़ी में है, पर देखते हैं अभी यहाँ से कब निकलेंगे। तो अब शायद से लग रहा है कि अभी यहाँ से जाएंगे घर, फिर कल या परसों अगर लोडिंग का कोई बात होता है तो आपको बताते हैं, और देखेंगे अगर आज रात में देखते हैं क्या खाने को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ का तो कुछ ये पता नहीं रहता है, रोटी सब्जी या कुछ भी देखते, कुछ भी हल्का फुल्का कुछ अभी जाके दो शाम का नाश्ता भी कर लेंगे और रात का देख लेंगे खाना हम लोग को क्या मिलेगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके जाए जा करके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि ये भी मेरा ये तो अभी मैंने नया नया चैनल ही शुरू किया, जो भी इस वीडियो को देख रहे प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बस और फॉलो कर लें इंस्टाग्राम में। तो दोस्तों जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर से मेरा बढ़ेगा सब्सक्राइबर, और मेरे को अभी मेरा भी चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर से मेरे 1000 सब्सक्राइबर जैसे भी करके आप लोग करवा दें, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और एक शायद से 4000 घंटा वॉच टाइम और 4000 घंटा व्यू आना चाहिए तभी मेरा ये चैनल होगा वो मोनेटाइज होगा। तो बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़रूरत है, तो फटाफट से जाए जा करके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इतना ही बोलना था।